डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। फ्रेंड्स, आज वीडियो का विषय है टमाटर घर पे कैसे बोएं और कैसे पौधों को रिपोर्टिंग करें। मैं इस वीडियो में सब कुछ आपको दिखाऊंगी, कैसे मैंने ग्रोवाइव भरे, कैसे मैंने टमाटर के सीड को बोया और कैसा टमाटर लगाएंगे, सारा कुछ। फ्रेंड्स, ये देखिए ग्रो बैग आज हम टमाटर रिपोर्ट करने के लिए बनाएंगे। और ये बैग मुझे गिफ्ट में मिले, मेरे भाई ने दिए, ओल्ड सांग कुकू पांडे जी ने। तो इनको आज हम देखो अभी आपके सामने तैयार करेंगे। ये देखिए, तो देखिए ये एनफ बड़े हैं, 15x15 के हैं और इसमें ड्रेनेज होल पहले से होके आए। ये देखिए इस तरह से, ये देखो उन्होंने करके भेजे हैं। अब मुझे इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से ये ड्रेनेज होल बने हुए हैं इसमें, और ये देखना बहुत जरूरी है। अगर ना इसमें होते तो अभी मैं करती, क्योंकि जो इसमें ज्यादा पानी भर जाए तो बेस्ट पानी निकलने के लिए ये होल होना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसमें से पहले ही से थे, इसलिए अब मैं इसको भरूंगी। और कैसे भरूंगी, ये मेरे पास में करेले की और तोरई की कुछ पेड़ रखी हुई सूख गई थी, वो मैंने उठा के रख ली। तो आपके पास पत्ते ना हो तो आप इनको भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहली लेयर हम नीचे यही डाले। अभी देखिए मैंने इस तरह से गीले सूखा जो पत्तियां थी वो भर दी। पहले मैंने सूखी पत्तियां डाली हैं तोरई की, इसके बाद में गोभी आप रोजाना हार्वेस्टिंग करते हैं उसके पत्ते थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए। और ये देखिए ये गीले पत्ते हैं डाले हैं, ये भी डाले दे रहे हैं। सूखा और गीला दोनों पत्तों से मैंने एक लेयर लगा दी। इस तरह से ये हाफ मैंने कर दिया पत्तों से। अब इसके ऊपर हम जो ये मिट्टी बना के तैयार कर रहे हैं इसको भरेंगे। इसमें हमने 40% गार्डन सॉइल है और 30% काऊ डंक है, 30% इसमें बेस्ट डिकम्पोजर है। और इसके साथ में मैंने थोड़ा सा एंटीसेप्टिक जो है हल्दी होती है वो डाली है, जिससे जैसे शरीर इंसान को फायदा करती उसी तरह से ये पौधों को भी हल्दी बहुत फायदा करती है। एक तो बीमारियों से बचाती, दूसरे चींटियों और कीड़े मकोड़ों से बचाती है। तो हल्दी डाली है, लकड़ी की राख डाली है और नीम खली, सरसों खली, ये सब मिला के ही हमने मिक्स मिट्टी तैयार कर ली है। अब देखिए मैंने चारों बैग जो हैं वो 50% पत्तों से भर दिए हैं। और ये इसलिए डालते हैं, इससे हमारा बैग हल्का रहता है और कम मिट्टी की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हम लोग, आपको मालूम है कि छत पे गार्डन करने से ज़्यादा वजन नहीं छत पे रखना चाहिए, इसलिए ये हल्के भी रहते हैं और इनका जो ड्रेनेज होल है वो भी खुला रहता है। दूसरी बात, मिट्टी की भी कम जरूरत पड़ती है और ये खाद भी बनती रहती है। तो पत्ते डालना बहुत ज़रूरी है। आपके पास पत्ते हों तो भर दो, और ना हो तो आपके पास जो गार्डन में सूखी बेलें होती हैं उनको आप रखते जाइए, वो सूख जाएं तो इस तरह से पॉट के नीचे डाल देना चाहिए। ये देखिए मैंने ये सब यहाँ रख दिए और अब इनको फूल कर देंगे, क्योंकि वहाँ से हमसे उठते नहीं, इसलिए आधा करके ले लाए। और अब ये हम इसमें ऊपर से खाद वाली मिट्टी डाल रहे हैं। इसमें भी इसी तरह से फूल कर रहे हैं। इसमें सारी खादें मिला के और ऊपर से मैंने डाल दी। ये देखिए मेरे बैग तैयार हो रहे हैं। देखिए ये हमारे बैग भर के तैयार हो गए। अब इसमें हम टमाटर लगाएंगे।
ये देखिए हम हर एक गमले में दो दो टमाटर के पौधे लगाएंगे, और उन जहाँ पर टमाटर लगाए वहाँ पर थोड़ा गड्ढा करके मैंने ये बर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं। वैसे तो मेरे पूरी खाद भी इतनी रिच बनी हुई, पूरी सॉइल इतनी रिच बनी हुई है, लेकिन फिर भी जड़ के पास में जहाँ पौधे लगाएंगे हम और एक्स्ट्रा इतना ज्यादा ये खाद डाल रहे हैं। देखिए ये 25 दिन की हमारी पौध है टमाटर की, ये मैंने इसमें बीजे डाले थे और ये मेरी पौध कितनी बढ़िया तैयार हो गई, और ये अब लगाने आज हम मैं इसको रिपोर्ट करूंगी। उसी के लिए मैंने ग्रो बैग भरे, और कैसे भरे जाते ये भी आपको दिखाया, क्या क्या मैंने खाद डाली वो भी दिखाया। अब चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टिंग। तो इस तरह से मैं इसके पौधे ले रही हूँ। देखिए नीचे के जो पत्ते इसमें हैं वो मैं निकाले दे रही हूँ, क्योंकि मिट्टी में नहीं टच होना चाहिए। अब ये पौधा निकल आया, और इसको मैं इस तरह से जहाँ खाद डाल के गए थे वहाँ पर दबा के लगा रही हूँ। इसके जड़ के पास अच्छे से दबाई दे रहे, जिससे एयर ना बैठे इसमें, एयर ना रहे जड़ों में, और इस तरह से डाल दिया। अब ये इस तरह से दूसरा पौधा लिया, इसके भी नीचे के पत्ते ये हमने सब निकाले दे रहे हैं, दूसरा पौधा मैंने इस तरह से इसमें लगा दिया। एक ये बड़े हैं 15x15 के ग्रो बैग हैं, तो इसमें हर एक ग्रो बैग में मैं दो पौधा लगाऊंगी। अब इसी तरह से मैं सारा चारों ग्रो बैग में टमाटर को लगाना है, तो ये गड्ढा किया, और उस गड्ढे में पहले मैंने वर्मी कंपोस्ट भर दी, और अब ये मैं दबा के इसको लगाए दे रही हूँ। तो देखिए जो हमारे नए दोस्त गार्डनर हैं उनके लिए बहुत काम आएगा, किस तरह से मैंने टमाटर बोए, फिर उनकी ये पौध तैयार की, फिर ग्रो बैग भरे, और आप ही के सामने इसमें मिट्टी भरी और इनको रिपोर्ट किया। और अब हम इसमें जब ये रिपोर्ट हो गए तो इसमें हम पानी डालेंगे। इस तरह से अब हमने इनमें समय पानी डाल दिया, और ज्यादातर ये शाम के समय ही लगाए जाते हैं, जिससे सूरज की जो तेज धूप है वो सनलाइट से ये क्या है सारे कुमला जाएंगे, तो इनको ज्यादातर रात में ही या इसी समय लगाते हैं, जिससे रात भरे में ही ये सेट हो जाएं। तो इस तरह से हमारा ये टमाटर रिपोर्ट हो गए। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट लिखना, और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरा नया जो भी वीडियो आए आपके पास सबसे पहले इसकी अपडेट पहुंचे। और मैं इसी तरह से नई नई चीज़ें बोती रहेंगी और वीडियो बनाती रहूंगी और डालती रहूंगी। थैंक यू।